अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ फूड कस्टर्ड ट्रिफल पुडिंग बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनती है, आप मेहमानों को सर्व करें या खुद अपनी फैमिली के लिए बनाएं। तो इसके लिए हमें 1 लीटर फुल फैट मिल्क चाहिए। इसको बॉयल होने के लिए रखेंगे और 1/2 कप दूध में 6 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, दूध भी हमारा बॉयल होने के करीब करीब है। अब हम इसमें साथ साथ डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। कस्टर्ड गाढ़ा होने तक हमने इसको हिलाते जाना है और 1/2 कप मैं इसमें चीनी का ऐड कर रही हूँ। यह आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए हम रेडी हो चुका है। ये मेरे पास ठंडी व्हीपिंग क्रीम थी, हम इसको व्हीप करेंगे। ये व्हीप हो चुकी है। अब एक सर्विंग डिश में फ्रूट केक को अरेंज करूंगी। इसके बाद हम कस्टर्ड की 1 लेयर लगाएंगे। जेली को मैंने पहले से बना लिया था, अब इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब दोबारा से कस्टर्ड की 1 लेयर लगाएंगे। फ्रूट के मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, इस तरह से अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। केले स्प्रेड करेंगे, अंगूर इसको भी स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। दोबारा से कस्टर्ड की 1 और लेयर लगाएंगे। अब केक क्रम से मैं इसको डेकोरेट करूंगी। व्हिप की हुई क्रीम मैंने इसमें ऐड की है और दोबारा से हम जेली इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब क्रश किए हुए आलमंड इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। हम 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे। दो घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे।
ये देखें आप देख सकते हैं फ्रूट कस्टर्ड ट्रैफल पुडिंग बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी सेम इसी मेथड के मुताबिक ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।